नमस्ते टू ऑल ऑफ यू गाइस, माय नेम इज सोनू कुमार मिश्रानी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। आज के डेट में जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मेरे सर पे बहुत अच्छे बाल दिख रहे हैं आपको। लेकिन कुछ समय ऐसा भी था, आज से 2 साल पहले की बात करूँ, जहाँ पर मेरे सर पे ऐसे तो छोड़ो बाल ही नहीं थे। और क्या कैसे मेरी जर्नी रही है, यहाँ पर मैं आपको बाई फोटो जो है वीडियोज़ में आपको नहीं दिखाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ दिखाऊँगा बिफोर आफ्टर की। आज से 2 साल पहले का सोनू कैसा दिखता था और आज का सोनू कैसा दिखता है। लेकिन उससे पहले, चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और रहने वीडियोज बनाने के लिए। थोड़ा पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा। चलो खैर, सबसे पहले मैं बात करूँ अपनी पहले की फ़ोटोज़ की, जब मैं मतलब मेरे सर पे काफ़ी अच्छे बाल थे एंड जब मैं 12th क्लास में था, वहाँ की फ़ोटोज़ आपको दिख रहा होगा, मेरे सर पे काफ़ी ज़्यादा एंड काफ़ी घने बाल थे। वहाँ पर एक दो चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, वो ये था कि मेरे बाल थोड़े सिल्की थे, पतले थे, सॉफ्ट थे, शाइनिंग भी बहुत अच्छी थी उसमें, तो वहाँ पर वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। देखो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पतले बालों का जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जबकि बाल चले जाते हैं। तो अब धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट होती है आफ्टर मतलब कह लो 12th क्लास से, जहाँ पर मेरे को लग रहा था कि नहीं मेरे बाल जा रहे हैं, बट वो थोड़ा सा पानी के चेंजेस की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने फिर दोबारा गुरुकुल में एंटर करा, क्योंकि गुरुकुल मैंने बीच में छोड़ दिया था बचपन से ले गुरुकुल तक, फिर बीच में गुरुकुल छोड़ा था 6 महीने के लिए, उस टाइम पर मेरा हेयर लॉस जो है स्टार्ट हुआ था। गुरुकुल छोड़ने के बाद जब मैं बात करूँ आपको 2016 की, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर के टाइम की मेरी कुछ पिक्चर्स है यहाँ पर, आपको हल्की हल्की सी हेयर लाइन रिसीड हुई दिखाई दे रही होगी, बाल जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पतले दिखाई दे रहे होंगे, बट स्टिल फिर भी वहाँ पर काफ़ी अच्छे बाल थे। आप अपने बालों को लेकर जो है स्टाइल वगैरह कर सकते थे, और मैं थोड़ा अपने बालों को लिटा कर ही रखता था, स्पाइक्स वगैरह मैं नहीं बनाता था, क्योंकि उस टाइम पर बाल बहुत ज़्यादा थे तो स्पाइक्स बनते ही नहीं थे बेसिकली। अब सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने अपने बालों का मुंडन करवा दिया, मुंडन करवाने के बाद मेरे बाल तेज़ी से एकदम गिरने स्टार्ट हुए, मैंने ऑक्सल वगैरह स्टार्ट करा एंड जो मेरी कंडीशन थी बालों की आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा लाइक मतलब उस टाइम पर मैंने उतना इग्नोर करना ही सही समझा और उतना मैंने नोटिस नहीं करा, बट स्टिल धीरे धीरे जो कंडीशन हुई वो कुछ इस लेवल पर आकर पहुंच गई, जहां पर आपको सामने से बिल्कुल ही बाल नहीं दिख रहे, ऐसा लग रहा है कि बस क्या ही लड़का है ये, मतलब एक तरह से आप, मैं आपको ये बहुत ही नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो ये कह सकते हो कि शुद्ध गरीब, गरीब कह लो या फिर शुद्ध मजदूर कह लो, कुछ जिससे मतलब एक ऐसा लुक आ गया जहाँ पर लाइक आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बचा है, आप कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते, दैट सेड आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप दुनिया को फेस करने से कतरा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो लाइक आप लोग आपको, क्योंकि आज के डेट में फेस और उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लोगों को जज करा जाता है, बाल है नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को जज करा जाता है। अमित शाह जो है इसने बड़े लेवल में पहुँचे हुए हैं, फिर भी उनको जो है गंजे करके बुलाया जाता है कई बार, एक दो ऐसे मंत्री है आपने देखा होगा, इतने नहीं देखा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो अमित शाह मतलब आज के रेट में हमारा गृह मंत्री और उसको भी गंजे कहकर बुलाया जाता है, तो आप समझ रहे हो हम लोग तो मतलब एक बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी चिड़िया कह लो ऐसा कुछ। अब क्या होता है कि जब भी आप दोस्तों यारों में रहते हो तो वहाँ पर भी अलग अलग के नाम पड़ते हैं, उजड़ा चमन, गंजा, बाला मूवी आई थी वहाँ से, टकले, चमन मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नाम पढ़ते हैं, एंड उन सारे नामों को आपको जो है हंसते घुट घुट कर पीना पड़ता है, जीना पड़ता है, दैट्स इट। लेकिन जब बात आई 2020 जुलाई की, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया एंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मैं आपको शुरू से जो है कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल की, तो आपको जो है यहाँ पर आपको जर्नी मेरी समझ में आएगी कि क्या था सोनू और क्या से क्या हुआ है इसके साथ। इसकी जो पर्सनैलिटी जो एक लेवल पे आपको ऐसी दिख रही थी, नाउ व्हाट इज की पर्सनैलिटी आपको इस लेवल की दिखती है। देखो, थोड़े बहुत मैंने फिजिक भी बनाई है, डाइट वाइट मैंने बहुत सही चीज़ें करी है अपने पर, काफ़ी ज़्यादा काम करा है। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको सामने सामने दिखाई दे रहा होगा, ये सब हुआ है जस्ट बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। जब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर गिव अप मत करना, एंड लाइफ में नथिंग इज परमानेंट। यदि आप गरीब नहीं थे, अमीर थे और अमीरी से गरीबी में आए हो, दैट मीन्स आपके सर पे बाल थे और बालों से एकदम से जो गंजा हो गए हो, तो वो गंजापन भी आपके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन से लाइफ में कभी आप टॉप पे थे और आप नीचे आ गए हो, तो आप नीचे भी जब आप टॉप पर जो है लंबे टाइम तक नहीं रह पाए, तो आप नीचे भी लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले। ये हमेशा जो है इस पॉइंट को अपने माइंड में या फिर कहीं पर भी लिख के रख लो। सो एक जब मेरे बाल नहीं थे तब की फ़ोटोज और जब मेरे बाल हैं अब की फ़ोटोज, दोनों में कितना डिफरेंस आपको समझ में आता होगा। इसलिए कभी भी लाइफ में सैड नहीं होना, कभी भी अपने आप को जो है हानिहीन दृष्टि से नहीं देखना, आप अपने आप को हीन महसूस नहीं करना, ऑलवेज जो है अपने साथ में एक्टिव रखो खुद को, कॉन्फिडेंट रहो
और दुनिया से लड़ने की क्षमता आपके अंदर है, आप दुनिया से लड़ सकते हो, बस आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। कैसी लगी वीडियोज, कैसी लगी मेरी जर्नी, आपको कमेंट करके बताना है। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।